हेलो फ्रेंड्स, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज का दिन ढेर सारे इन्वेंशन का दिन है। मुझे काफी क्रिएटिव फील हो रहा है। शुरुआत करने के लिए हमें एक मोटर और प्लास्टिक प्रोपेलर की जरूरत होगी। और हाँ बिल्कुल, हमें मोटर को शुरू करने के लिए भी एक स्विच की जरूरत होगी। और यही पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सबसे पहले एक पिन से ब्लैक वायर को जोड़ दें और स्नैप के ब्लैक वायर को दूसरे पिन से जोड़ दें। टिक टैक्स, कंटेनर के टॉप पर थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लू लगाएं और मोटर और प्रोपेलर को अटैच कर दें। बेस पर और ग्लू लगाएं और इसे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ड्रिल वाले पार्ट से जोड़ दें। इन सबसे पहले हमें कंटेनर से मिंट्स को बाहर निकाल लेना चाहिए। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इस इन्वेंशन के लिए हमें कुछ बबल्स बॉटल्स की जरूरत होगी। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप ये खुद पानी और सोप मिलाकर भी बना सकते हैं। किचन से कंटेनर ले आइए, इसमें जिसकी हमें जरूरत है बबली लिक्विड डाल दीजिए। मेरी बहन जब छोटी थी तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि उसने इस लिक्विड को पी लिया था। हम बचपन से ही जानते थे कि उसे प्रॉब्लम है, इसे पूरी तरह से भरना होगा। जब ये भर जाए तब इसे किसी दुर्घटना घटने से बचाने के लिए ढक्कन लगाकर बंद कर दें। टॉयलेट पेपर ले लें जिसका इस्तेमाल आप अपनी और बबल वैन से बाकी की गंदगी को साफ करते हैं। हमें इनमें से टोटल 6 की जरूरत पड़ेगी, तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसे खरीद ही लें। इन सभी के लोअर पार्ट को काट लें, श्योर हो लें कि ये सभी एक ही साइज के हों। हमारे सुपर ग्लू की मदद से इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिंबल के बीच में बबल वैंस को शामिल करें, जो मैंने एक से ज्यादा बार देखा है। एलियंस, हमारे नए एलियन सिंबल में वुडन स्टिक अटैच करें और इसे धागे या रस्सी से सिक्योर कर लें। रस्सी को सभी स्टिक्स के चारों तरफ घुमाएं और इसे कई बार घुमाते हुए चारों ओर से लपेट लें। ऐसा करते हुए मुझे मेरा स्पिनिंग टॉय के साथ खेलना याद आता है, मैं उसमें काफी अच्छा था। इसे पत्थर की तरह मजबूत बनाने के लिए इस रस्सी पर थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा दें। फाइनली ड्रिल होल में इस पूरे मैकेनिज्म को डालें और इसे ठीक से खस दें। किसी को ये कहने का मौका ना दें कि आप एक सेकंड में 100 बबल्स नहीं उड़ा सकते। मैंने बचपन में इनमें से एक को भी पाने के लिए बदले में कुछ भी दे दिया होता। हमारा अगला इन्वेंशन पहले वाले से भी छोटा है और इसमें ये मेटल टिप सिरिंज शामिल हैं। बेस के एंड और टिप को हैक्सॉ से काटें। जब हमारे पास हमारे ब्लो पाइप की बॉडी आ जाए, अपनी मम्मी की पेंटिंग्स में से एक कील निकाल लें और उसे ब्लो पाइप में डाल दें। अपने घर में सबसे अच्छे रबर बैंड को ढूंढें और उसे कैंची से काट लें। ये कील पर लगाने पर गुलेल की तरह काम करेगा। इसे कलर टेप से चारों तरफ से अच्छी तरह से लपेट कर सिक्योर कर लें। अब अगर हम कील और रबर दोनों को खींच कर छोड़ते हैं तो ये एक स्प्रिंग इफेक्ट जनरेट करता है। जो कुछ भी हम इसके अंदर डालते हैं वो इससे लॉन्च हो जाता है। जब तक हम फायर पावर के बारे में सोचते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। व्हील को हटा दें क्योंकि हमें चिंगारी पैदा करने के लिए हमें इसकी जरूरत होगी। क्या किसी को इसका नाम याद है? इसे अंदर डालिए और बस हो गया। अब बस ब्लो पाइप के मुंह को गर्म करें और चिंगारी भरा शो देखने के लिए कील और रबर दोनों खींचें। कुछ पल के लिए ये पूरे रूम को रोशनी से भर देगा। बस इसे तुरंत आग लगाने वाली चीजों पर पॉइंट ना करें क्योंकि फिर आपको पता है कि क्या होगा। पॉपसिकल स्टिक्स वापस आ गई है। क्या आपने सोचा कि मैं इसके बिना वीडियो बना लूंगा? ईमानदारी से कहूं तो ये चैनल उसके बिना नहीं रह सकता। अपना बहुमूल्य बॉक्स कटर ले आए और उसके रेजर को निकाल लें। हमें दो की जरूरत पड़ेगी। आगे नेक्स्ट स्टेप में रेजर को पॉपसिकल स्टिक से जोड़ने के लिए हम इसमें सुपर ग्लू को शामिल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास दो है तो हमें पिछले स्टेप को एक बार फिर दोहराना होगा। एक बार जब हमारे पास दो डेडपूल नाइफ आ जाए तो अगला काम ये करना है कि अपने मिनी पॉकेट चाकू को बाहर निकालें और दोनों टुकड़ों में होल बनाएं, जैसा कि ब्लेड्स इंडिकेट कर रहे हैं। एक को दूसरे के ऊपर रख लें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और फिर उन्हें एक हॉट डॉग स्क्वायर के साथ लगाओ। मैं अपने आप को बस भूखा बना रहा हूँ। ये मुझे मेरे प्राइमरी स्कूल के पहले कैंप की याद दिला रहा है। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ स्कूल की फुटबॉल फील्ड में था। उन्होंने कुछ स्पेशल हॉट डॉग खरीदे थे जो चीज से भरे हुए थे। डिलीशियस। फंसाने और काटने के बाद होल से बाहर निकले वुडन पीस को नीचे रखें। ग्राउंड से मिले 3 बोतल के कैप्स उठा लें और बॉक्स कटर की मदद से इसके सेंट्रल पार्ट को हटा दें। दोनों में से किसी एक पॉपसिकल स्टिक्स पर ग्लू लगाएं और उस पर 2 कैप्स लगा दें। क्या ये अच्छी कैंची नहीं है? इसके ऑपोजिट साइड पर लास्ट कैप को चिपका दें और लास्ट में इसे 2 बार ट्विस्ट करते हुए इसके हैंडल्स के ठीक पहले रबर बैंड लगा दें। तैयार। अब आपके पास स्कूल में सबसे ज्यादा तेज और पावरफुल कैंची है।
ये ना बताएं कि ये बनाना आसान है। उस केस में जब आप ऑफिस सप्लाई स्टोर से कुछ नहीं खरीद पाए, आर्ट्स और क्राफ्ट्स की लड़कियां आपसे जलेंगी। ये कपड़े काटने के लिए भी काफी उपयोगी है और आपकी राजकुमारी की ड्रेस बनाने के लिए भी। मुझे एक बार कैंची दिखाकर धमकाया गया था, लेकिन ये वाली कहानी किसी और टाइम सुनाऊंगा। आज के बस दो और इन्वेंशन रह गए हैं, काफी हो गए हैं। 5 इन्वेंशन एक ही सिंगल वीडियो में होना रिकॉर्ड है। एक प्रिंगल्स कंटेनर की कैप ले और उसके ठीक बीच में खोल बनाए। क्योंकि हमारे पास कुछ बचे हुए बॉक्स कटर के ब्लेड्स हैं, हम उनमें से 3 का इस्तेमाल करेंगे। होल के साथ टुकड़ों को काट लें। अब हमें नुकीली वुडन स्टिक की जरूरत होगी। इस पर ब्लेड्स लगाने के लिए अलग अलग हाइट्स पर सुपर ग्लू लगाएं। ध्यान रहे कि हर एक का पॉइंट एक दूसरे से अलग होना चाहिए। क्या ये खूबसूरत नहीं है? प्रिंगल्स कैन के अंदर कई चाकुओं वाली स्टिक को रख दें और कवर करने के लिए इस पर स्टिक के ऊपर से ढक्कन लगा दें। एक बार जब ये इस तरह से दिखने लगे, तब इस पर एक मार्क लगाएं जहां हमें इसे आरी से काटना है। कुछ कलर्ड स्ट्रॉस ढूंढें और इनमें से एक के छोटे टुकड़े कर लें। अपने भाई के खिलौने में से एक को अलग कर लें और उसमें से एल शेप की मोटर निकाल लें। इसके पिवट्स में से एक पर ग्लू लगाएं और वहां स्ट्रॉ के टुकड़े लगा दें। फिर इन्हें ढक्कन के होल में डाल दें और फिर इसे ढेर सारे सुपर ग्लू से सिक्योर कर लें। बाकी बची स्ट्रॉ में ब्लेड्स वाली स्टिक डाल दें और हमने ज्यादातर होममेड फूड प्रोसेसर बना लिए हैं। कंटेनर को बंद कर दें और अब सबसे मजेदार इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने की तरफ चलें, जिसके बारे में सभी पहले से जानते हैं। जरूरी कनेक्शंस बना लें ताकि सब कुछ वैसे काम कर सके जैसा उसे करना है। एक्स्ट्रा रेड वायर के साथ आखिरी कनेक्शन बनाएं और फाइनली पावर सप्लाई, जो स्नैप से कनेक्टेड है। इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मोटर से बैटरी को चिपकाएं और बैटरी स्विच से। फूड प्रोसेसर अपने काम पर है। इसे आजमाने का टाइम आ गया है। इसके लिए हम एक ऑनियन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ऑनियंस को छीलिए, इनकी काफी परतें होती है। श्रेक याद है? जब इसे छील लें, चाकू ले, रेजर या कुल्हाड़ी से इसे आधा कर लें। आधे में से एक को लें और उसकी पूंछ निकाल दें। इसे 4 हिस्सों में काट लें ताकि ये हमारे मिनी फूड प्रोसेसर में फिट हो जाए। इसमें से 2 टुकड़े अंदर रखें और ढक्कन बंद कर दें। बस अब इसे ऑन करें और इसे अपना काम करने दें। देखिए कैसे हर टुकड़ा छोटा और छोटा होता जा रहा है। चॉपिंग ऑनियन को गुड बाय कहिए। मुझसे अब ये नहीं कहा जाएगा कि मैं सब्जियां अच्छे से नहीं काट सकता, और इन सब के अलावा मैं ये करते हुए रोऊंगा भी नहीं, और वो भी एक ऑनियन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट निकला है। जरा देखिए तो ये कितना बारीक कटा हुआ है। अभी एक और बाकी है, दिन का आखिरी। और हाँ, मैं आखिरी के 40 सेकंड्स में इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। भागो, वुडन स्टिक से एक्सेस को काट लें ताकि ब्रिज छोटा हो जाए। अपनी शक्तिशाली ड्रिल ले लें और उसे व्हील से कनेक्ट कर लें। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी ड्रिल को पहले वाले इन्वेंशन में यूज कर चुके हैं? क्या आपके पास 2 नहीं है? अगर हम स्विच को दबा दें तो ये इतनी तेजी से घूमना शुरू करेगी जितना कि लैम्बोर्गिनी के पहिए तेजी से घूमते हैं। और बिल्कुल यही हम स्केटबोर्ड के साथ करेंगे। स्केटबोर्ड के अंदर ड्रिल को सिक्योर करने के लिए ढेर सारा इंडस्ट्रियल ग्रेड टेप लगाएं ताकि इसे गिरने से रोका जा सके। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। अपनी पुरानी कार को ठंडा रखने के लिए कुछ खरीदना चाहता था और मुझे लगता है ये बढ़िया एरोडायनामिक ऑप्शन है। खैर, मैं अब आपको फिनिश लाइन पर देखूंगा। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखें। और साथ ही यहां 2 शानदार इन्वेंशंस को जोड़ा गया है और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।